हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ध्यान से समझेंगे एन ऑब्जेक्ट फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड ट्वेंटी अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस अच्छा कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारा कन्वेक्स लेंस तो यहाँ पे हमारे कन्वेक्स लेंस की बात होगी ठीक है ऑल्सो क्या दे रखे ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइव सेंटीमीटर मतलब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है फाइव सेंटीमीटर और साथ में बोला है इट इज हेल्ड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अवे मतलब यू हमें दे रखा है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर और हमें पता है दोनों ही के जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उसको लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं तो ये हमेशा नेगेटिव होता है तो माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर साइन वगैरह साथ साथ

माइनस टेन हो जाता है तो इसलिए हमें साइन का हर बार ध्यान रखना है इसको हटा देते हैं यहाँ से चलो आगे क्या बोला हमें ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज यहाँ पे देखो इसमें एक तो रे डायग्राम बनाने और बाकी ये सब चीजें भी हमें निकालनी है रे डायग्राम तो हम बना लेंगे ये सब चीजें हम इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे और रे डायग्राम से भी कैसे करेंगे दोनों मैं बता रही हूँ तो, न्यूमेरिकली अगर हमें सॉल्व करना है यू है एफ है वी निकल जाएगा मतलब इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा सो लेंस है सो वन अपॉन एफल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू एफ है हमारा टेन v हमें फाइंड करना है u है माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा सो so, इसको ऊपर कर लिया ये हो गया टेन माइनस वन अपॉइन ट्वेंटी फाइव और ये आ गया 1 upon, इसमें कंफ्यूज नहीं होने माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए इधर आके माइनस हुआ है सो so, इसका एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा टू फिफ्टीज इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से गया, 25 10 से करेंगे गया, 10, v, 25 में से 10 किया ये आ गया फिफ्टीन अपॉन में टू फिफ्टी सॉरी ठीक है अब इसको कट कर लो ये आ जाएगा थ्री एंड ये आ गया हमारा फिफ्टी इक्वल्स टू वन अपॉइंट वी सो वी क्या हो जाएगा वन अपॉइंट वी है इसका रेसिप्रोकल कर दो फिफ्टी अपॉइंट में थ्री हो जाएगा इसको अगर हम डिवाइड करेंगे सो थ्री वन जो थ्री फोर फाइव ट्वेंटी बचा सिक्स से करेंगे एटीन पॉइंट अगेन सिक्स से सो so ये इस तरीके से चलता रहेगा सो so ये आ गया सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स सेंटीमीटर ये क्या आया है हमारा इमेज डिस्टेंस आया है अब इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव है यहीं से साथ साथ देखते तो हुए चलते हैं अगर इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है कि जो हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इमेज जो फॉर्म हुई है वो राइट right साइड पे उधर फॉर्म हुई, so, हुई है और उधर कैसी भी इमेज फॉर्म होती है रियल एंड इनवर्टेड सो इस तरीके से एक रियल इमेज फॉर्म हुई है और इनवर्टेड इमेज so, फॉर्म हुई है सो यहां से बचल गया आगे और इसको बताने के लिए देखो नेचर वैसे तो हमें बचल गया लेकिन अभी हमें साइज और पोजिशन भी है तो हम मैग्निफिकेशन की हेल्प से वो निकालेंगे सो so, यहाँ पे ये स्पेस यूज कर लेते हैं अब देखो इस केस में हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है हमें पता है मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो लेंस का केस है साथ में क्या होता है वी अपॉन u ठीक है क्योंकि मैग्नीफिकेशन तो दे नहीं रखा v u हमारे पास है तो इससे सॉल्व कर लेंगे हाइट ऑफ इमेज हम निकाल रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है हमें 5 इक्वल्स टू v अभी हमने निकाला 16.66 अपॉन में u कितना गिवन था हमें minus -25 सो so इसको सॉल्व करेंगे ये देखो 5 इधर डिवाइड हो रहा जाके मल्टीप्लाई होगा 25 और 5 को कट कर पाएंगे हम ये हो जाएगा 5 सो so, ये आ गया हाइट ऑफ इमेज 16.66 पॉइंट अपॉन में 5 आल्सो माइनस का चल रहा है ये सो so, ये हमारे पास आ जाएगा 5 थ्री झा फिफ्टीन हो जाएगा पॉइंट अगेन थ्री जो फिफ्टीन थ्री तो ये इस तरीके से चलता रहेगा सो माइनस थ्री पॉइंट थ्री ले लेते हैं ये आ गई हमारी इमेज की हाइट अब देखो माइनस आई है नेगेटिव आई है क्यों क्योंकि हमने पहले ही बताया रियल एंड इन्वर्टेड है इन्वर्टेड की हाइट देखेंगे तो वो नेगेटिव आएगी सो so, यहाँ से अब इसको ऊपर कर लेते हैं और देखो हमें जो जो बताना था वो लिख लें यहाँ पे हमें क्या बताना था डायग्राम चलो अभी बना लेंगे फाइंड द पोजीशन पोजीशन मतलब हमने बता दिया सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स सेंटीमीटर इतना वो लेंस से दूरी पे इमेज फॉर्म होगी देन साइज बताना है वो भी हमने बता दिया यहाँ पे देखो माइनस थ्री पॉइंट थ्री है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज कितना था फाइव मतलब इमेज हमारी छोटी बनी है डिमिनिश्ड है स्मॉलर है ठीक है डिमिनिश लिख दो मतलब इससे छोटी इमेज बनी है ठीक है उसके बाद जी नेचर बताना है वो आ गया हमारा रियल एंड इनवर्टेड ठीक है अब इसका एक बार रे डायग्राम भी देख लेते हैं सो इसको कर देते हैं थोड़ा सा जूम इन और साइड कर देते हैं अब देखो जरा हमारे पास क्या है कन्वेक्स लेंस है इस तरीके से हमने कन्वेक्स लेंस बना लिया यहाँ पे ये हो गया हमारा फोकस कितना बोला है माइनस ट्वेंटी फाइव पे हमें ऑब्जेक्ट रखना है एंड फोकल लेंथ कितना है टेन सो so ये अगर टेन है इसको और एक्सटेंड करते हैं इसका डबल यहाँ पे कहीं टू एफ वन होगा एंड यही चीज यहाँ पे भी ये टेन होगा एंड एफ टू और टू आईज इसका होगा टू एफ टू ठीक है एंड ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया है कहाँ पे प्लेस किया है ट्वेंटी फाइव तो ये टेन और ये टेन ट्वेंटी हो गए इससे भी दूर यहाँ कहीं हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है अब जरा देखो डायग्राम जब बनाएंगे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गई इधर जाके रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास हो गई थोड़ी सी टेढ़ी हो गई इसको इधर कर लेते हैं इस तरीके से फोकस से पास हो जाएगी नेक्स्ट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी इमेज यहाँ से इस तरीके से सो so, यहाँ पे देख लो अगर आप इसको बना के दिखाओगे सो so ये रही हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है साइज छोटा है इमेज रियल और इन्वर्टेड आई है ठीक है इस तरीके से रे डायग्राम में भी दिखा देंगे सो so, ये था हमारा क्वेश्चन टेन ऑफ द बैक एक्सरसाइज अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी और थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उनको हम अलग अलग वीडियोज में ही करेंगे सो क्वेश्चन इलेवन पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो मेल सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर के बाई